हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2023। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश है फिलीपींस। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी हाल ही में ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन, इसका नाम है कन्वेंशन नंबर 190, तो इसका अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश है फिलीपींस। तो ये कन्वेंशन, जैसे कार्यस्थल पर हिंसा ना हो, उत्पीड़न ना हो, तो इसके लिए कन्वेंशन होता है, तो इसका अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश है फिलीपींस। विश्व का यह 38वां देश है, विश्व का 38वां देश है। अगर पूछे इसका पहला देश कौन था जो इसमें शामिल हुआ था, वो हुआ था उरुग्वे। नेक्स्ट आपका फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है और चावल अनुसंधान केंद्र इसका हेडक्वार्टर है। उरुग्वे, यहाँ पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था और विजेता भी उरुग्वे बना था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है? कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? चार देश को बाहर किया है। यहाँ पर देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1989 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका काम क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका काम है और वर्तमान में इसके हेड है टी राजा कुमार, सिंगापुर के हैं ये, वर्तमान में इसके हेड है। ये दो लिस्ट जारी करता है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो फंडिंग जो देश करता है ना, उसको ब्लैक लिस्ट में डालता है, और जो देश पर शक होता है, जिस पर आतंकवाद की निगरानी का शक होता है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डालता है। तो इस वजह से ग्रे लिस्ट से चार देश बाहर हो गए हैं। चार देश के नाम देखिए, UAE युगांडा, बारबाडोस, जिब्राल्टर। तो ये चार देश इससे बाहर हो गए हैं, और कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी इससे बाहर हुआ था। देखिए ब्लैक लिस्ट जो जिस देश पर प्रतिबंध होता है, इसमें तीन देश शामिल हैं, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। ये लिस्ट वैसे गलत ही है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के उससे शक से बाहर हो गया है, और जो कि सबसे ज़्यादा पनाह आतंकवाद को यही देता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। अब भारत पूछे इसमें कब शामिल हुआ था FATF में, तो भारत शामिल हुआ था 2010 में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप ब्रिक्स। ब्रिक्स में पांच देश शामिल हुए हैं, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, ईरान, मिस्र। कौन नहीं शामिल हुआ है? अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ है। जिब्राल्टर जल संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका SCO 2023, इसका आयोजन किसने किया? भारत ने किया, और यहाँ पर नया सदस्य शामिल हुआ है ईरान। G20 2023, इसका थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और कहाँ पर होस्ट हुआ था? भारत में, और 2024 में होस्ट होगा ब्राज़ील में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @JustDoItR, वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। धर्म गार्जियन अभ्यास यह भारत और जापान के बीच में होता है। अभी हाल ही में पांचवें क्रम इसका आयोजन किया गया है बीकानेर महाजन फील्ड राजस्थान, मतलब महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से भाग लेगा राजपुताना राइफल्स। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, वीर गार्जियन अभ्यास, सीनू मैत्री अभ्यास यह होता है भारत और जापान के बीच में। हरिमो शक्ति अभ्यास यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। एकता अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास यह भारत और मालदीव के बीच में होता है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। SECI सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ी सौर बैटरी संचालित परियोजना स्टार्ट की गई है। कहां पर? राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है, और इसको फंडिंग कौन करेगा? विश्व बैंक फंडिंग करेगा। विश्व बैंक, इसके बारे में देखिए,
इसकी स्थापना होती है 1944 के वेटन बोर्ड सम्मेलन से, और स्थापना कब होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में इसके हेड है अजय बंगा। नेक्स्ट है आपका NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी पहली सौर परियोजना स्टार्ट की गई है छत्तरगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी ने भी शुभारंभ किया है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ पर? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सुदर्शन सेतु, इसका पहले नाम था सिग्नेचर ब्रिज, या देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, मतलब तार से बना ब्रिज है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने गुजरात में किया है। यह ओखा मुख भूमि को कनेक्ट करेगा बेट द्वारिका से। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, और कहाँ बना है? अरब सागर के ऊपर बना है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया पुल। इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। लोहित नदी पर है और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है अटल सेतु पुल, या मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पर स्थापित होगी? या स्थापित होगी IIM शिलोंग में। गति शक्ति अनुसंधान पीठ या देश का पहला है, यह स्थापित किया जाएगा IIM शिलोंग में, और इसको शुभारंभ करने वाले हैं जहाज रानी मंत्री सर्वानंद सोनेवाल। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप गति शक्ति विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? बड़ोदरा गुजरात में। देश का 100वां स्मार्ट सिटी है शिलोंग। नेक्स्ट है आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इसका कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसको प्रारंभ किया गया स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 या इसका आयोजन किया जा रहा है बार्सिलोना स्पेन में। 26 से 29 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप इटली की राजधानी है रोम, और यह टाइबर नदी के किनारे है, और रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन किस नदी किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अटुकल पोंगल पर्व कहाँ पर आयोजित हुआ है? अटुकल पोंगल पर्व या इसका आयोजन किया गया है केरल में। 10 दिन यह महोत्सव चलता है। अटुकल भगवती मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है। केवल महिलाओं का यह सबसे बड़ा मेला है। महिलाएं यह पर्व मनाती है। मिट्टी के बर्तन यूज करती हैं महिलाएं, और गुड़ चावल नारियल केला से पकवान तैयार करती हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप पोंगल पर्व यह तमिलनाडु में होता है। जलीकट्टू तमिलनाडु में, अंबुबाची का मेला असम में, सरहुल मेला झारखंड में, लोशर लद्दाख में, लोशांग सिक्किम में, हरेला कहाँ पर होता है महोत्सव? उत्तराखंड में। हरेली कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, लेवेंडर फेस्टिवल जिसको बैंगनी क्रांति कहते हैं यह भी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? यह प्रारंभ हुई है महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी या कहिए रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, इसका शुभारंभ किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर प्रदर्शनी दिखाई जाएगी DRDO के द्वारा, जैसे हथियार निर्मित किया गया, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, इन सब की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका DRDO इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में, और इसका ध्येय वाक्य है वलश्यम मूलम विज्ञानम, विज्ञान का स्रोत शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी, वर्तमान में समीर कामत। विक्स इंडिया इसका आयोजन किया गया बेगमपेट हैदराबाद यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज YAMBIGU और YAMBI निषादराज कहाँ पर लॉन्च किए हैं? उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज इसको लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मतलब क्लीन एनर्जी है, मतलब अगर बैटरी से संचालित होगी, अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल से भी चलेगी। और कैटामरन जहाज है वोटिंग के लिए यूज किया जाएगा। 2 जहाज लॉन्च किए गए हैं, एक है YAMBIGU और एक है YAMBI निषादराज। ये नौकायन के लिए यूज किया जाएगा, बैटरी संचालित है। यह लॉन्च किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसकी क्षमता है 50 यात्री की इसकी क्षमता है। YAMBIGU या सरयू नदी अयोध्या में चलेगी, और YAMBI निषादराज या गंगा नदी वाराणसी में चलेगी, और इसकी क्षमता है 50 व्यक्ति।
नेक्स्ट आपका सौर वेद महामंदिर, इसका शुभारंभ वाराणसी में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किस दिन किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। मंदिर के वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा और मूर्ति के वास्तुकार है श्री अरुण योगीराज। मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? राम मंदिर का जो निर्माण नागर शैली में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल पेस्ट का करेंगे उद्घाटन। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। नोबल पुरस्कार 2023, नोबल पुरस्कार के बारे में देखिए। नोबल पुरस्कार इसकी स्थापना होती है 1900 में और पहली बार प्रदान किया जाता है 1901 में। अल्फ्रेड नोबल इनके नाम पर यह दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी। इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। इस दुनिया अवार्ड प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। छठा क्षेत्र कौन सा बढ़ा? अर्थशास्त्र का बढ़ा। 6 क्षेत्र देखिए, चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का, अर्थशास्त्र का। इन पांचों का जो अवार्ड है ना, ये वितरित किया जाता है स्कॉट होम में, और शांति का अवार्ड वितरित किया जाता है ओस्लो में। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार 2023, पहला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिना कोरिका, मैरी से हो गया अमेरिका, बिस्की से हो गया बिस्मैन, दवाई से हो गया चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिना कोरिका हंगरी देश की, बिस्मैन यूएसए के हैं। इन लोगों को अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? mRNA से COVID-19 वेरिएंट के टीके के विकास के लिए। नेक्स्ट आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब भौतिकी, पीकर मतलब पीरे गोस्टोनी, फेरे मतलब फेरेंक्रॉज, एनी मतलब एनियल हुलियर, प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए पीरे गोस्टोनी, फेरेंक्रॉज, एनियल हुलियर को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, एलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एकिमोव, एक टन मतलब क्वांटम डार्ट्स की खोज के लिए, रसीली मतलब रसायन, मैगी मतलब मौगी बवेडी, लाई मतलब लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकिमोव, मौगी बवेडी, लोइस ब्रूस, इन लोगों को क्वांटम डार्ट्स की खोज करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे जान। साहित्य हो गया साहित्य का, ना फंसे मतलब जान फंसे, ना से हो गया नार्वे, जॉन फासे नार्वे के हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? नवाचारी नाटक के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान से मतलब ईरान की रहने वाली है। शांति मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। क्यों मिला है? ईरान में महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का रोमर पुरस्कार। इसका ट्रिक है, अर्थ गोल है, अर्थ मतलब क्लॉडिया गोल्ड, सॉरी अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का, गोल मतलब क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए। अब देखिए कुछ नाम भारतीय जो है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे आम ना बिके अब क्या करें। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिला शांति का, सॉरी साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। सीवी रमन 1930 में मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला। मदर टेरेसा को 1979 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1993 में मिला। अमर सेन को 1998 में मिला। वीएस नायपाल को 2001 में मिला। वी रामकृष्णन को 2009 में मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।